अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, क्या हो रहा है ये सब। बरखा रुद्र को नहीं संभाल पाई और बरखा के जाने के बाद तो रुद्र घायल शेर हो गया है। पता नहीं हमारे परिवार के साथ और क्या क्या करेगा वो। हमें रास्ता दिखाइए महादेव, अब क्या करें हम। इस दुविधा से बाहर निकालिए हमें। जैसे बरखा तुम्हारी चिता जली है, वैसे इस आग से चीत को जला दूंगा। बरखा, डॉक्टर! आपने हमारे परिवार को देखा क्या? हमारा परिवार कहाँ गए? सब लोग कहाँ हैं? यही हैं। आप अपने कमरे से बाहर क्यों आई? चलिए। नहीं नहीं देखिए प्लीज, पहले आप हमें बताइए कि हमारा परिवार है कहाँ। सब लोग ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, यहीं पे हैं। आपके पति घर पर गए हुए हैं खाना लेने के लिए सबके लिए। चलिए आप अपने रूम में चलिए। जीत यहाँ नहीं है, मतलब उसकी जान को खतरा है। यू आर अंडर अरेस्ट जीत नारायण। हमारे पास कंप्लेन आई है कि जिस ब्लास्ट में बरखा ठाकुर की मौत हुई है वो आपने किया था। उसका रिमोट आपके हाथ में था, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। देखिए सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर क्या हम जान सकते हैं हमारी कंप्लेन किसने की? हमने। सब छोड़ो, तुम हॉस्पिटल में थी ना, तुम बाहर क्यों आ गई? तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। देखिए इन सब बातों के लिए अभी टाइम नहीं है, जो भी बातें करनी होगी बाद में करिएगा। हवलदार ले चलो इन्हें। ये क्या, मुझसे पहले पुलिस पहुंच गई?
ये जरूर कृष्णा की चाल है। हमारी कृष्णा वहां अस्पताल में है और हम कब डॉक्टर ने बोला कि घर चले जाओ। लोग हमारा मन तो लग नहीं रहा है। हमारी बच्ची वहां और हम उसके पास नहीं है। हाँ शांत हो जा, डॉक्टर ने कहा है ना कि कृष्णा अब खतरे से बाहर है, 2-3 दिन में वो भी घर आ जाएगी। हाँ अब तू चिंता मत कर, बैठ। जीत, कृष्णा के लिए खाना पैक किया ना? जीत, अरे अम्मा जवाब क्यों नहीं दे रहा? आप गला क्यों फाड़ रही हैं? हम जाके देखते हैं। हाँ जा देख। जीत तो किचन में नहीं। क्या हो सकता है? जीत खाना लेकर अस्पताल चला गया। अरे वो खाना लेने आया था घर, हो सकता है चला गया हो, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। इतनी अजीब बात है, ऐसे कैसे कर सकता है? जीत, जीत। मैं जानता हूं ये तुमने जानबूझ के किया है। रुद्र, ये मसाले लेकर कहां जा रहे हैं? हाँ ये जरूर जीत के पास जाना होगा। अब क्या करें? आप कैसे बचाएं जीत को? क्या करें? क्या करने वाला है रुद्र? क्या करें हम? यही सबसे सही तरीका है, सुरक्षित जगह है जहां रुद्र जीत जीत का कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, उतनी हो नहीं। कितने दिन तक अपने पति को बचा के रखोगी जेल में? जिस दिन वो जेल से बाहर निकला ना, उसी दिन शिकार करूंगा मैं उसका। जब तक हम जिंदा है ना, तुम जीत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और तुम्हें तो हम जीत के आसपास भी भटकने नहीं देंगे। अच्छा क्या करोगी तुम? बोलो क्या करोगी तुम? वो मशाल देख रही हो? जैसे उसमें आग जल रही है ना, वैसे ही मेरा दिल भी धू धू करके जल रहा है। पहले तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ हुई और आज तुम्हारे पति की वजह से मैंने अपनी बीवी को खो दिया। सुहाग का होगा अंत तुरंत, सजा मिलेगी उम्र भर की। हंसनी तुझे तेरे सुहाग से भरूं करेगी। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे। जीत ने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं है उसकी। गलत तुम्हारी बहन ने किया है, वो भी हम लोगों के साथ। और बरखा, वो तो हमारी सहेली थी, उसने मदद की थी हमारी। उसके जाने का दुख हमें भी है। और जाते जाते वो हमसे वादा करके गई थी कि हम। खबरदार, अगर मेरी बीवी, मेरी बहन या मेरे फैमिली मेंबर का किसी का भी नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो, ये जो आंसू देख रही हो ना तुम मेरी आंखों में, इसे कमजोरी मत समझना। ये मेरा गुस्सा है जो तुम्हारे परिवार पर कहर बनकर बरसेगा। तुम बस देखती रहना। लेकिन हमारी पूरी बात तो सुनो। हाँ हम बरखा को दिया हुआ वादा तभी पूरा कर पाएंगे जब हम इस बात से निश्चित होंगे कि रुद्र हमारे परिवार को अब कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा।
उससे पहले हमें ये रुद्र के सामने साबित करना होगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी या हमारे परिवार की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ उस गोपाला ने किया है, रुद्र की बहन ने। लेकिन हम ये सब साबित कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। बिना सबूत के कैसे करेंगे हम ये सब? कैसे, क्या करें? उकरानी, मुलुकरानी, जीत को तो पुलिस उठाकर ले गई है। आपको बताया नहीं क्या कृष्णा ने? जीत को पुलिस ले गई? पर क्यों पकड़ कर ले गई? हम बताते भी किस मुंह से? उसी ने तो पुलिस बुलाई थी। अरे पागल हो गई है क्या तू? है चश्मा लगवा अपनी आंखों पर। हम अपनी बच्ची को अभी अस्पताल छोड़कर आ रहे हैं। नहीं अम्मा, हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे अम्मो बिल्कुल सही कह रही है, आपकी आंखें खराब हो गई है। हमारी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे जब छोटी बहन अपने पति पर झूठे आरोप लगा सकती है, उसे पुलिस से पकड़वा सकती है, तो बड़ी क्यों नहीं कर सकती? अम्मा हम कह रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं, ये दोनों बहनें ना कुछ करने में लगी रहती हैं। ये हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं। अरे दिमाग खराब हो गया आपका, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। हमारी बहन अस्पताल में पड़ी है और रात से हमें कोई उम्मीद नहीं है। सुखान जी, हमने सुना है कि जब इंसान के पास दिमाग नहीं होता ना, तो उसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और अपनी जुबान से तो कुछ नहीं निकालना चाहिए। अरे तो इस हिसाब से तो तुम्हें मौन व्रत रख लेना चाहिए। कोशिश कर रहे थे, मगर अगर आप जैसे भी बोल उठेंगे ना, तो हमें आपका मुंह बंद कराने के लिए बोलना पड़ेगा। अरे तो अभी कर देते हैं ना तुम्हारा बंद। हमारी दोनों बच्चियों पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, तुम समझ गए ना? और खास तौर से कृष्णा के बारे में तो एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे कृष्णा ने जीत को जेल भिजवाया है तो कोनो वजह होगी उसके पीछे, और जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती ना, हमारी कृष्णा के ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठाएगा। इतनी हिम्मत हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, सही समय आने पर तुम्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे सुकांत, तुम्हारी सब पुश्तें याद रखेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि हमने बेवजह बिना सोचे समझे हमने पुलिस को फोन कर दिया और तुम्हें पकड़वा दिया। रो मत, कुछ नहीं लग रहा हमें ऐसा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं तुम बिना किसी कारण कुछ गलत करोगी नहीं, और हमें ना खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया? हम सोच रहे थे कि दोबारा शादी करके एक दूसरे के और करीब आएंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। सब कुछ बात सुनो हमारी, तुम कब से इतनी छोटी मोटी मुसीबतों से घबराने लगे? घबराना नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी यहां से बाहर आ जाएंगे और फिर पूरे धूमधाम से वापस शादी करें। तुम सिर्फ हमारी हो कृष्णा, और ये बात हम पूरी दुनिया को बता देंगे। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये रुद्र हमारे पीछे पड़ा क्यों? तुम्हें कुछ पता है तो बताओ हमें। ये सब गोपाला की वजह से हो रहा है। इल्लीगल नशीले पदार्थ रखने और उसे प्रसाद में मिलाने के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। बरखा के पति होने के अलावा भी बहुत कुछ है जो तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए था, जैसे कि मेरे लिए परिवार ही प्यार है, और मेरे प्यार के साथ जो खेलता है उसे मैं बर्बाद कर देता हूं।
तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। पहले तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ हुई और आज तुम्हारे पति की वजह से मैंने अपनी बीवी को खो दिया। अब हम अपने परिवार को तभी बचा पाएंगे जब रुद्र के सामने गोपाला की सच्चाई लाएंगे। हमारे पास एक वीडियो था गोपाला के खिलाफ, और जब वो मामला हुआ ना तो हमारा फोन मोड़ गया, कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं कृष्णा, क्या करेंगे हम? बात सुनो हमारी, तुम ऐसे छोटा मन मत करो। हमारे फोन में है ना गोपाला के खिलाफ सबूत है, और वो फोन पुलिस वाले के पास है, और बिना वकील के देंगे नहीं। तो हमें एक वकील की जरूरत पड़ेगी कृष्णा, ताकि हम रुद्र को गोपाला का सच दिखा सके। सबूत तो हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन साथ ही ये पता करना होगा कि गोपाला ने ऐसा क्या किया है जो रुद्र हम पे इतना भड़का हुआ है। अब चलते हैं, कुछ करते हैं। वकील को बोलने से कोई फायदा नहीं है, न जाने वकील और कितना समय लगाएगा। हमें खुद ही कोई जुगाड़ बैठा के जीत का फोन वापस लेना होगा, पर कैसे, क्या करें? कुछ समय सारी हमें माफ कर दीजिए। वो देख के चलिए ना। जी हम वो यहाँ हम अभी चलो जो भी है वो चैन स्नेचर का सबूत लेकर आओ मेरी टेबल पे। ये फाइल लो, थोड़ा जल्दी करना। जी जाओ। एक सबूत ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है तुमको? ढूंढ ही रहे हैं। चलो तुम बाहर, हमें ढूंढते।
ये रहा। रुक जाइए, हम भी बाहर, हम मदद करते हैं। निकालिए ये सब। अरे एक काम ढंग का करते नहीं, क्या कर दिया, अब कौन उठाएगा? सॉरी सॉरी, माफ कीजिए, हम गलती हो गई, हम उठा देते हैं इसे, हम उठा देते। ये लीजिए। देखो राधा, खा लो। मुझे नहीं खाना। खाओ। मुझे नहीं खाना। देखो ये गुस्सा मत दिलाओ, खाओ इसे। मुझे मम्मा चाहिए। अपनी मम्मी को क्या तुम गोद में बैठा के रखोगी? हाँ देखो राधा, हम कह रहे हैं हमें गुस्सा मत दिलाओ, हम प्यार से खिला रहे ना, तो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मा चाहिए। अपनी मम्मी को खाओगी क्या? नहीं ना, तो जो है वही खाना पड़ेगा, खाओ। मुझे नहीं खाना। अच्छा मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं खाती। मुझे नहीं खाना। खाओ। मुझे नहीं खाना। देखो राधा, हमें गुस्सा रहे, खाओ। ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? सत्यानाश।